सबको मेरा सलाम। आज हम एक नए सफ़र में चलते हैं। इसके पहले की वीडियो में हम दिखाए थे आपको कि हम मोबाइल गिम्बल खरीदे थे वीडियो शूट करने के लिए। आज हम उस गिम्बल को लेकर आज हम थर्मल पावर प्लांट की ओर चलेंगे। और देखिए, हम इस रास्ते में हैं जिस रास्ते में थर्मल पावर प्लांट दिख रहा है, और ये करीब करीब झुमरी तिलैया शहर से 8 किलोमीटर पे है। और ये बांझे डी में प्लांट है। जैसा कि जानते हैं कि थर्मल पावर है और इसमें कोयले का यूज किया जाता है। सबसे अच्छा कोयला बिटुमिनस कोयला होता है, उसको यहाँ पे उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में। और इसका जो मेन काम है बिजली उत्पन्न करना। और इसमें दो यूनिट है 500 मेगावाट का, तो इसे 1000 मेगावाट का बिजली उत्पन्न होती है। देखिए, हम थर्मल पावर प्लांट के नज़दीक पहुंच चुके हैं। आइए, इसका मेन गेट दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं कितना भव्य है, कितना बड़ा है। और इस पावर प्लांट में तो आज हम जाएंगे नहीं, आज इसके रास्ते से निकलेंगे। आज मेरा मेन एम है इस वीडियो का कि मैं दिखाऊं कि पावर प्लांट से कुछ हानियां भी हैं, इसे सब फ़ायदा ही नहीं है। और इसलिए मेरा आज नाम इसका है थर्मल पावर प्लांट का काला सच। तो ये काला सच जानने के लिए पूरा वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा कि इसका काला सच क्या है। ये थर्मल पावर प्लांट के पीछे वाले बाउंड्री से गुजर रहे हैं। इस रास्ते में बहुत से डस्ट हैं, वो डस्ट कुछ नहीं कोयले का राख है। जो कोयला इस्तेमाल होता है थर्मल पावर प्लांट में, वो राख बच जाती है, उस राख को कहीं डंप किया जाता है। आप देखिए, थर्मल पावर प्लांट के ये दो जो मीनार दिख रहे हैं, दो बड़े बड़े, उसमें उससे वाष्प निकल रहा है। और ये बड़ा जो मीनार दिख रहा है उससे धुआं निकलता है। तो इस एरिया को धुआं अफेक्ट करता है। और इस एरिया को कोयला का जो राख निकलता है इस थर्मल पावर से, वो भी अफेक्ट करता है। तो आज हम देखेंगे इसका क्या हानि है। अभी रास्ते से गुजर रहे हैं तो बहुत सारे डस्ट मेरी आँखों में चुभ रही है। अगर हेलमेट अगर नहीं लगाएं तो बहुत नुकसान होगी। ये देखिए, सारा ये ट्रक है, ये सब जो कोयला का राख को ले जा रहा है और वो किस खास जगह में उसको डंप करता है। उस जगह तक हम जाएंगे और वहाँ पे हम ये देखेंगे कि कितने बड़े एरिया में इस राख को गिराया जाता है। और पूरी तरह से वो एरिया एक तरह से समझिए आने वाले समय में वो बंजर ही बन जाएगा। उस पर ना कोई कृषि हो सकता है, और इतना शहर से दूर है कि वहाँ पे ना कोई फैक्ट्री लग सकता है। मैंने मान लीजिए कि वो एरिया एक तरह से बर्बाद हो गया। और हाँ, देखिए, हम उस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ पे कोयले का राख को डैम किया जाता है। बड़े बड़े मशीन के द्वारा उसको गिराया जाता है, चारों तरफ पानी रखा जाता है कि पानी से ना उड़े राख। लेकिन फिर भी देखिए कितना राख रोड पे है। यहाँ से चलने वाले जो गाड़ी चलते हैं तो उससे क्या होता है, हवा में धूल आ जाती है, राख आ जाती है, जो आने वाले आने जाने वाले लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाता है आँखों में। अब हम अपना बाइक को यहाँ पर खड़ा करेंगे और अंदर जाके देखेंगे कि किस प्रकार से कोयले के राख को यहाँ पे डैम किया जाता है। अब देखिए, हम पैदल निकल रहे हैं और देखिए अभी शाम का समय है और सूर्य डूबने वाला है। देखिए, देखने तो यहाँ पे नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। और लेकिन अगर यहाँ पे हवा भी चला होता तो ये डस्ट आँखों तक आती, पूरा सांस लेना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। लेकिन अभी बारिश का समय है, वर्षा पड़ने के कारण ये राख दबा हुआ है। देखिए रास्ता, ये जो देख रहे हैं रास्ता, ये गाड़ी क्या करता है यहाँ पे डैम ला के छोड़ता है राख को और इसी रास्ते से बाहर जाता है।
एक बहुत बड़े एरिया में राख को रख कर चारों तरफ से पानी डाला है इसमें, और इसके कारण क्या हुआ, एक तरह पेस्ट जैसा बन गया है ये। अगर इसमें कोई व्यक्ति जाता है तो धस सकता है, ये दलदल जैसा बन चुका है। हम एक बार इसमें गए थे, अपना पैर रखा कोशिश किया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दलदल होने के कारण हम इसमें से पैर बाहर निकाल लिए। देखिए बहुत बड़े एरिया में, अब सोचिए सारा एरिया तो एक तरह से बंजर ही हो गया, इसमें किसान खेती भी नहीं कर सकता है। देखिए पीछे में पावर प्लांट है। आने वाले समय में ये राख का अमाउंट और बढ़ते जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में अगर इस राख का रीयूज ना हो, दूसरे प्रकार से इसका यूज ना कर सके, तो ये बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। और ये समस्या बहुत ही गंभीर है, तो ये चाहिए कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी का आविष्कार होनी चाहिए कि कोयले के राख को फिर से यूज किया जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।